इरकॉन इंटरनेशनल, ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार कवर किया है, मैंने काफी बार जनरली जब भी कमेंट्स लिए जाते हैं रेलवे स्टॉक्स के ऊपर तो इरकॉन और ये सब स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, राइट्स के बारे में बात करते हैं। और इरकॉन में अभी रिसेंटली देखिए ये अब स्टॉक क्या है कि चूंकि ये 50 रुपए के नीचे हो गया है तो ये सुमित जी का मतलब फेवरेट स्टॉक्स में से आ जाएगा, और मुझे मालूम है कि थोड़े दिन बाद सुमित जी भी इसको रेकमेंड वैसे तो करते ही आए और वो भी करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक अभी बोनस के बाद 1:1 बोनस के बाद ये जो 100s में चलता था 105 अब ये नीचे आ चुका है, तो ये 1:1 के बाद हाफ हो गया था। अब मुझे बहुत अट्रैक्टिव वैसे भी लग रहा है, बोनस इश्यू अभी हो गया और प्लस गवर्नमेंट कंपनी और वन ऑफ दी टॉप 250 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स में कंपनी आती है, इनकी ये रेपुटेशन और ओनली PSU है, ये कोई क्रेडिबिलिटी इनकी है, और 1976 से ये कंपनी कार्यरत है और रेलवे की कंस्ट्रक्शन कंपनी, और मुझे लगता है कि देखिए इंफ्रा पे फोकस सरकार का ही है और जिस तरीके से अब अनलॉक हो रहा है और आगे भी लगता है कि मुझे ग्रोथ लाने के लिए और भी स्पेंडिंग बढ़ेगी तो बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। और ओवरऑल भी देखते तो PSUs देखिए हालांकि थोड़ा तो पार्टिसिपेट किया है बट अभी भी इस रैली में जितना पार्टिसिपेशन PSUs का होना चाहिए उस तरीके से हुआ नहीं, और अभी भी इस मार्केट्स में इन लेवल्स पे अगर कोई स्टॉक्स में अगर कंफर्ट मिलता है तो वो जो मैं बोल रहा हूँ कि एग्रेसिव्स और डिफेंसिव्स, मतलब कि थोड़े डिफेंसिव स्टॉक जहां पे डाउनसाइड रिस्क कम, और ये स्टॉक भी देखिए नीचे जाने के लिए सिर्फ ये हो सकता है कि 45 से 40 के रेंज में रहेगा, बाकी ऊपर जाने के लिए बहुत बड़ा घर है, मुझे लगता है कि ऊपर कम से कम भी 60 रुपए तक के टारगेट्स आएंगे। 5.25% का डिविडेंड यील्ड है, पिछले 3 साल में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो 20% के लगभग है और प्रॉफिट की क्या कह रहे हैं वो 11.5% के लगभग है, और जो रिजल्ट्स देखते हैं कंसिस्टेंटली, देखिए जून और सितंबर तो लाजमी है कि हल्का रहना था पिछले क्वार्टर साल का, बट ओवरऑल 100 से 125 करोड़ रुपए कंपनी कमाती है हर क्वार्टर में, और मुझे लगता है कि एक PSU है, गवर्नमेंट की पेडिग्री है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जिस तरीके से अभी इनका जो स्टेक है वो अब वो कंप्लायंस नॉर्म्स में आ गया 75% के नीचे, तो वो भी एक ओवरहैंग रहता है कि रोज रोज OFS के जो ओवरहैंग रहते हैं वो भी खत्म हो गया इसमें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी मिनी रत्ना कंपनी है, बढ़िया स्टॉक है, और कंस्ट्रक्शन में तो है ही, रेलवेज में तो है ही, रोड्स बिल्डिंग्स और इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन इन टाइप की एक्टिविटीज में भी ये जाने वाली है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक को ले और आराम से 60 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदना चाहिए।